Subscribe to Mann Ki Sadhana and hit the bell icon for more updates. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नई स्टाइल की कैप लेकर आई हूँ। देखिए, ये छोटी वाली कैप आपने शायद अभी देखी नहीं होगी, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है ये। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन की ना मैंने फ्रॉक और पजामी बनाई है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। उसी के साथ की मैंने ये टोपी बनाई है और इसको बेबी जब लगाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। फ्रेंड्स, मैं हूँ साधना, मन की साधना चैनल पर आपका स्वागत है। राधे राधे। फ्रेंड्स, इस कैप का वीडियो मैं दो पार्ट्स में डालूँगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको कैप बनाना बताऊँगी और दूसरे पार्ट में मैं आपको चोटी बनाना बताऊँगी, देखिएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, कैप बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये ओसवाल स्मार्ट बेबी हैंड नीटिंग यार्न ये ले रही हूँ और ये 25 ग्राम का बॉल है और बहुत ही सॉफ्ट है। आप किसी भी ऊन का बना सकते हैं, किसी भी कलर में बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और ये साथ में मैंने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप अपने बेबी के हेड का ना गोलाई का नाप ले लीजिएगा। मैंने नाप लिया है तो यहाँ पर 15 इंच है, 15 इंच। तो अब देखते हैं उसमें कितनी चेन बनती हैं। अब शुरू करते हैं, पहले नॉट लगा लेंगे और फिर चेन बनाएंगे। ये 15 इंच में मेरी 80 चेन आई हैं, ये देखिए 80 चेन आई हैं। फ्रेंड्स, आपकी कम ज़्यादा भी हो सकती हैं क्योंकि किसी का हाथ लूज और किसी का टाइट चलता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जितनी भी आएँ उतनी बना लीजिएगा। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस चेन को सीधा लेंगे, इस तरीके से सीधी करेंगे इसको ऐसे, और यहाँ पर फर्स्ट वाली चेन में इसको जॉइंट कर देंगे। स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, ये देखिए। अब यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे, और हर चेन में हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए, ये मेरी चेन बिल्कुल सही आई है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, गलत जुड़ जाती है तो ये ऐसे अंटा खा जाती है, ऐसे अंटा खा जाती है, तो फिर ये चीज़ ना सही से नहीं आती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप चेन जोड़ें तो सीधी ही जोड़ें। अब इसको मैं डबल क्रोशिया से पूरा कर लेती हूँ। और यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, एक दो तीन, तीसरी वाली चेन में इसको जोड़ देंगे ऐसे। अब यहाँ पर हम तीन चेन लेंगे। अब हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाएंगे, देखिए ऐसे। हम इसको आगे से लेंगे, इस वाले डबल क्रोशिया को इस तरीके से, तो ये फ्रंट पोस्ट होगा ऐसे, और पीछे से लेंगे तो ऐसे, देखिए पीछे से क्रोशिया को डालेंगे और इसको दबाते हुए, डबल क्रोशिया को दबाते हुए, और ये डबल क्रोशिया बना देंगे, ये बैक पोस्ट ऐसे ही है, फिर फ्रंट पोस्ट और फिर बैक पोस्ट। फ्रेंड्स, बस ये हमें पूरी दो तीन लाइनें इसी तरीके से, पहले ये राउंड पूरा करेंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर इसको तीसरी वाली चेन में जॉइंट कर देंगे, फिर उसके बाद में तीन चेन लेके फिर
फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाना है। ऐसे में दो तीन लाइनें करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की ये चार लाइनें बना ली हैं, एक दो तीन और एक ये चार, और नीचे वाली जो बनाई थी हमने हर चेन में डबल क्रोशिया बनाया था उसको मिलाकर पाँच हैं। अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। आपको मैं ये बता दूं, जो मैंने फ़्रॉक बनाई है उसी के साथ की मैं ये कैप बना रही हूँ, तो फ्रॉक वाली ही डिज़ाइन हमको इसमें डालनी है। तो अब हमने यहाँ पर तीन चेन बना ली, उसके बाद में उसके साथ वाली डबल साथ वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बना लिया, उसकी साथ वाली में डबल क्रोशिया और उसकी साथ वाले में डबल क्रोशिया। अब यहाँ से हमको दो चेन छोड़नी है, एक और एक ये दो, दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में हम दो लूप निकालेंगे, फिर इसके बाद में फिर दो लूप निकालेंगे, इसके बाद में फिर दो लूप निकालेंगे। इस तरीके से हम सबको एक साथ निकाल देंगे और दो चेन लेंगे। इसके बाद फिर हम इसी होल में इसी चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक लूप ये हो गया, एक लूप पहले से था, दो हो गए। ये दूसरी बार क्रोशिया हुक को डालकर फिर ये दो लूप निकालेंगे, फिर तीसरी बार डालकर भी दो लूप निकालेंगे, ये चार हो गए। फ्रेंड्स, आप इन तीन को भी निकाल के ऐसे कर सकते हैं या जैसे मैंने यहाँ पे बताया था उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम तीन चेन लेंगे, एक दो, दो लेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ पर हम तीसरी बार फिर यहाँ पर एक दो लूप निकालेंगे, दूसरी बार क्रोशिया हुक को डाल के फिर दो लूप निकालेंगे, तीसरी बार क्रोशिया हुक को डाल के दो लूप निकालेंगे और इन चारों को एक साथ निकाल देंगे, उसके बाद में एक दो तीन। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर अलग अलग करके निकालती हैं तब तो हम यहाँ पर दो चेन लेंगे, और अगर यहाँ पर मैंने एक साथ चारों को निकाल दिया तो तीन चेन लेंगे। सॉरी, यहाँ पर कोई चेन नहीं आएगी, यहाँ पर एक चेन लेंगे ऐसे इसको बांधने के लिए। ये हो गया। अब यहाँ पर फिर से हम दो चेन छोड़ेंगे, एक और एक ये दो, तीसरी वाली चेन में डालकर क्रोशिया हुक को, और यहाँ पर हम एक दो तीन और एक ये चार, चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी इस चेन को मिलाकर चार हैं, अब यहाँ पर भी हम चार बनाएंगे। फिर से यहाँ पर हम दो चेन छोड़ेंगे, एक दो, तीसरी वाली चेन में फिर से हम फ्लावर बनाएंगे, उसी तरीके से दो लूप निकालेंगे, फिर तीसरी बार डालेंगे, फिर दो लूप निकालेंगे और चारों को एक साथ निकाल के दो चेन ले लेंगे। फिर दूसरी बार भी इसी तरीके से करेंगे, दो लूप निकालेंगे, फिर से दो लूप निकालेंगे और फिर से दो लूप निकालेंगे, इन चारों को एक साथ निकाल देंगे और दो चेन ले लेंगे। फिर से तीसरी बार फिर लूप बनाएंगे, एक बार निकाला, दो बार दो लूप निकाल दिए, फिर तीसरी बार में भी दो लूप निकाल दिए, इस तरीके से ये ऐसे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं पूरा राउंड कर लूँगी और वापस यहाँ चेन पे आऊँगी, तब आपको दोबारा से बताती हूँ। ये देखिए, मैं लास्ट तक आ गई हूँ। अब यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे, ये तीन चेन के ऊपर तीन चेन आ गई। अब ये सेकंड वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चौथे वाले पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चार डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें ये फ्लावर जो है इसके ऊपर हम दो चेन लेंगे,
और जो बीच वाली पत्ती है, बीच वाली लीफ है, इसके ऊपर वाली चेन में डालकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, जोड़ देंगे इसको। फिर दो चेन लेंगे और ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डालकर क्रोशिया हुक को और डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। फिर दूसरी वाली चेन में डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरी वाली चेन में डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चौथी वाली चेन में क्रोशिया हुक को डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर फिर से हम जैसे हमने यहाँ पर ये जॉइंट किया है इसी तरीके से फिर से करेंगे। दो चेन लेंगे और जो बीच वाली लीफ है इसकी चेन में डालकर क्रोशिया हुक को और सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। फिर से दो चेन लेंगे और ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डालकर डबल क्रोशिया बना देंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से पूरा राउंड करते हुए आना है और यहाँ पर आकर जब यहाँ पर दो चेन सिंगल क्रोशिया, दो चेन, उसके बाद में यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे। फ्रेंड्स, इसी फिर इसके बाद में जो हमने ये बनाई है दो चेन और सिंगल क्रोशिया दो चेन, इसके बाद में फिर से हमें ये फ्लावर बनाने हैं। फ्रेंड्स, इसकी वीडियो मैंने, फ्रॉक बनाई है इसी डिज़ाइन की, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप उस फ्रॉक की डिज़ाइन को देख सकते हैं। अब मैं इसकी लेंथ पूरी करके जितनी मुझे लेंथ करनी है वो लेंथ कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से इसमें जॉइंट करने के बाद में यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर एक चेन ली है। पहले मैं यहाँ पर दो चेन ले रही थी, अब एक चेन ली है, क्योंकि यहाँ पर हमको ना अब थोड़ा सा जो राउंड है छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर चार क्रोशिया बनाया है डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर इसके ऊपर हमने तीन बनाए, एक दो तीन, फिर उसके बाद में एक चेन ली है। नीचे हमने दो ली थी, यहाँ पर एक चेन ली है, फिर सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया इसको, फिर एक चेन ली है, फिर यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाए, एक दो तीन, फिर एक चेन ली है, उसके बाद में फिर हमने सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया। एक चेन के बाद तीन डबल क्रोशिया, नीचे चार थे, एक दो तीन चार, ऊपर तीन है। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं ये करके आ रही हूँ। देखिए, मैं एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया हमने बना लिए, अब एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे, फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली चेन को छोड़ देंगे, दूसरी वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया सॉरी, फिर इसके साथ में डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया, इस तरीके से तीन हो गए ये। अब जो दो दो चेन हम यहाँ पे बना रहे थे वो अब हमको एक चेन लेनी है ऐसे, और सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देना है ऐसे। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर तीन डबल, चार है ना, एक दो तीन चार। अब यहाँ पर पहली वाली चेन छोड़कर दूसरी वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक नेक्स्ट वाली चेन में, दो उसके नेक्स्ट वाली में, तीन, तीन डबल क्रोशिया बन गए। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर फिर से हम चार डबल क्रोशिया के ऊपर हमको तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं ऐसे। फ्रेंड्स, ये मैं राउंड पूरा कर लेती हूँ और उसके बाद में अब जैसे मैंने यहाँ पर, ये देखिए राउंड छोटा हो रहा है, अब जैसे मैंने यहाँ पर दो दो डबल क्रोशिया, तीन तीन डबल क्रोशिया बनाया है, चार डबल क्रोशिया के ऊपर, एक दो तीन चार, ये देखिए एक दो तीन चार, और ये मैंने यहाँ पर तीन बनाए हैं, एक दो तीन, फिर एक चेन लिए और सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया है, फिर एक चेन लिए। नीचे दो चेन बना रहे थे, अब एक चेन लिए हमने। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जब दूसरा राउंड आएगा तो यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं, यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, फिर
फ्लावर वाला राउंड आएगा वो, फिर इसके ऊपर फ्लावर बनाना है आपको। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसको छोटा करती जाऊंगी, मैं बाद में आपको बता दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि ये तीन डबल क्रोशिया के ऊपर मैं दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फ्रेंड्स मैंने दो डबल क्रोशिया ना बनाकर डायरेक्ट मैंने ये फ्लावर बनाए हैं। ये देखिए यहाँ पर गैप, जो हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए थे, डबल क्रोशिया तीन बनाए थे, जैसे ये देखिए, तो यहाँ पर हमने कोई भी एक भी डबल क्रोशिया नहीं बनाया, क्योंकि हमें राउंड और भी छोटा करना है। ये जो है और भी छोटा करना है, अगर हम ऐसे बनाएंगे तो राउंड देर में छोटा होगा, तो इसलिए अब मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है। ये देखिए एक लीप बना ली और मैंने एक चेन बना लिया, यहाँ पर एक चेन है। अब इसके बाद में फिर दूसरी वाली लीप बनाएंगे, एक बार निकाल के दो लूप निकाले, दो बार निकाल के दो लूप निकाले, तीन बार निकाल कर दो लूप निकाले और तीनों को एक कर दिया। अब यहाँ पर हम दो चेन ले रहे थे तो अब हम एक ही चेन लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर तीसरी लीप बनेगी, दो निकाल दिए, फिर इसके बाद में फिर दो निकाल दिए, फिर इसके बाद में फिर दो लूप निकाल दिए। ये देखिए ऐसे चार हो गए। अब इन चारों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। अब यहाँ पर एक चेन ले लेंगे, इसके बाद में अब हम इन तीन को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे इन तीनों डबल क्रोशिया को। अब डायरेक्ट हम जो हमने यहाँ पर एक चेन सिंगल क्रोशिया से जोड़ा था, फिर एक चेन, तो उसमें जैसे हमने नीचे फ्लावर बनाया था उसी तरीके से हमको यहाँ पर फ्लावर बनाना है। दो लूप निकालेंगे, फिर दूसरी बार क्रोशिया हुक डालकर दो लूप निकालेंगे, तीसरी बार डालकर दो लूप निकालेंगे। ये चार हो गए, अब चारों को एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन लेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमको पूरा राउंड करना है। ये राउंड करने के बाद में मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये राउंड पूरा कर लिया है। अब हम यहाँ पर दो चेन लेंगे, एक एक ये दो, और जो ये जो है फ्लावर उसके ऊपर इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर फ्रेंड्स दो चेन लेंगे और इस वाले फ्लावर में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर दो चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर दो चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया से दूसरे वाले फ्लावर में। अब फ्रेंड्स हमको फ्लावर ही फ्लावर में जॉइंट करना है, क्योंकि अब हमारे फ्लावर ही बचे हैं, बाकी कोई भी डबल क्रोशिया नहीं है। अब ये देखिए मैं पूरा राउंड करके अभी आपको दिखाती हूँ। मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब जो हमने ये देखिए लास्ट फ्लावर में हमने सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया है, दो चेन लेकर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया है। और जो हमने लास्ट में दो चेन बनाई थी, एक और एक दो, दूसरी वाली में इसको हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे और जो हमने ये फ्लावर बनाया है, ये दो डबल क्रोशिया वो सॉरी दो चेन और सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया है, फिर दो चेन लिए, तो जैसे हमने नीचे फ्लावर बनाया था ना उसी तरीके से फिर से हमको यहाँ पर फ्लावर बनाना है। एक बार क्रोशिया निकाला, दो लूप निकाले, दो बार निकाला, दो लूप निकाले, तीसरी बार क्रोशिया हुक को निकाल कर फिर दो लूप निकाले और चारों को एक साथ कर दिया। इसी तरीके से एक चेन लेते जाएंगे साथ में और फ्लावर बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से चारों को एक साथ निकाल के एक चेन, फिर एक और पत्ती बनानी है इसकी। ये देखिए दो लूप निकाले, फिर से दो लूप निकाले, फिर से दो लूप निकाले ऐसे, चारों को एक कर दिया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक चेन ले लेंगे और अब हमको ये वाला फ्लावर स्किप करना है। इसमें हमने बना लिया, इस वाले फ्लावर में बना लिया, अब हमको ये स्किप करना है, फिर इसमें बनाना है, फिर ये स्किप करना है, इसमें बनाना है, ये स्किप करना है, इसमें बनाना है,
फिर ऐसे एक एक स्किप करते जाएंगे और उसके दूसरे वाले में बनाते जाएंगे। अभी राउंड पूरा करती हूँ। मैंने ये राउंड भी पूरा कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स कितना छोटा हो गया है ये कैप ऊपर से। अब हम यहाँ पर दो चेन लेंगे, एक ले ली थी, एक ये है, और जो हमारी फ्लावर वाली जहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करते थे वहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे तीन चेन, दो चेन लेने के बाद में। फिर इस वाले फ्लावर पे आ जाएंगे, हमें कोई चेन नहीं लेनी है। इस वाले फ्लावर पे आके इसके बीच में यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे ऐसे। अब हमको फ्लावर फ्लावर ही जोड़ने हैं। यहाँ पर आएंगे इस फ्लावर पर, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया जॉइंट कर देंगे। फिर इस वाले फ्लावर पे आएंगे तो यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और यहाँ पर आएंगे इस वाले फ्लावर पे तो यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, ये देखिए। और अब जब हमने यहाँ पर बनाया था चेन से जोड़ा है तो अब इसको भी हम इसी फ्लावर पर इसी चेन में आकर जॉइंट कर देंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। सिंगल क्रोशिया से ऐसे, ये देखिए ये हमारा बिल्कुल पैक हो गया। ऊपर से बिल्कुल सिलाई हो गई, इसमें सुई की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और देखिए ये फ्लावर फ्लावर सारे ऊपर इकट्ठे हो गए, बहुत ही सुंदर कैप बनाया ये। ये देखिए, ये देखिए, अब हम इसको यहाँ पर काट देंगे। ये आराम से एक डेढ़ साल के बच्चे के आएगी। अगर आप चाहें तो इसको और ऊपर बढ़ा सकती हैं। यहाँ से मैंने तीन क्रोशिया लेने शुरू कर दिए थे तो आप तीन क्रोशिया के ऊपर तीन क्रोशिया ले लीजिएगा या दो क्रोशिया ले लीजिएगा, उसके बाद में इसको फिर कम करते जाइएगा जैसे मैंने ये कम किया है, तो ये कैप और भी बड़ी हो जाएगी। राधे राधे।